Hello students, today we are discuss the next video of reproduction in Fusaria. हमने पहले डिस्कस किया था Fusaria का रिप्रेजेंटेटिव एल्गी में Fusaria. आज हम रिप्रोडक्शन इन Fusaria को डिस्कस करें. देखिए Fusaria में क्या होता है. रिप्रोडक्शन इन Fusaria टू टाइप्स होता है. फर्स्ट वेजिटेटिव एंड सेक्चुअल रिप्रोडक्शन. दो टाइप का होता है. एक तो वेजिटेटिव होता है और सेकेंडली होता है सेक्चुअल रिप्रोडक्शन. तो दो टाइप का यहां पर Fusaria का रिप्रोडक्शन है. हमने इससे पहला वाला वीडियो था रिप्रेजेंटेटिव, उसका ये पार्ट टू है. और ये हम नीट स्टडी कर रहे हैं. इससे बाहर नीट के अंदर कोई भी क्वेश्चन ना तो अप्लाई हुआ और मे बी ना ही अप्लाई होगा. ना तो हुआ ना ही होगा. तो अब हम इसकी फर्स्ट टाइप कर रहे हैं. फर्स्ट टाइप है फर्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होता है? बाय फ्रेगमेंटेशन. या तो ये फ्रेगमेंटेशन से होता है या प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोटोनीमा. या तो प्राइमरी प्रोटोनीमा से या सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्टेज में ये रिप्रोडक्शन करता है. या किससे होता है? या ये बुलबुल से होता है. बुलबुल होता है एक फ्रूट लाइक बॉडी, फ्रूट जैसी दिखने वाली बॉडी होती है, जिसको आप डिटेल में तो प्लस टू में पढ़ोगे. वैसे हम यहां पर भी आपको एक्सप्लेन करेंगे. बुलबुल से होता है या गैमा आप पढ़ चुके हैं कि गैमा क्या है. गैमा कप या एसेक्सुअल बर्ड इन ब्रायोफाइट्स. या आप इसमें करोगे एपोस्पोरी भी आप पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं. एंड लास्ट इज ट्यूबर. या ये वेजिटेटिवली ट्यूबर के रूप में करेगा. तो भाई आप देखिए इनमें से आप ये भी स्टडी कर चुके हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी भी स्टडी कर चुके हैं. बुलबिल ऐसे फ्रूट लाइक बॉडी होती है जो हो जाती है. ये स्टडी हम पहले करवा चुके हैं. आप गैमा कप की भी स्टडी कर चुके हैं. भाई आप ट्यूबर के बारे में भी पढ़ चुके हैं. अब बचा क्या? आप ट्यूबर की स्टडी भी कर चुके हैं कि राइजोइड्स डेवलप हो जाती हैं. बचा क्या? एपोस्पोरी. ये यहाँ पर एक नया पॉइंट आएगा कि वेजिटेटिव में एपोस्पोरी किस प्रकार डेवलप होते हैं. तो देखिए हम एपोस्पोरी वेजिटेटिवली डेवलप कैसे होता है. इसमें कहता है ये कि भाई सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट्स है उसके कुछ सेल्स ऐसी हैं. कुछ सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट्स आर सेपरेट
अलग हो जाए। कुछ सेल है सैक्रोफाइट्स की जो अलग हो जाती हैं, कहां से? फ्रॉम पेरेंट्स बॉडी, जो इसकी पेरेंट्स है उस बॉडी से ये अलग हो जाती है, पेरेंट्स बॉडी से ये अलग हो जाती है। और पेरेंट्स बॉडी से अलग हो जाएगी तो क्या करेगी? अब क्या करेगी? ये फॉल एंड फॉल ऑन द सोइल, मिट्टी में गिरेगी। और मिट्टी में गिरेगी तो क्या डेवलप करेंगी? फॉल ऑन द सोइल टू डेवलप प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा स्टेज आप पढ़ चुके हैं, प्रोटोनिमा आप पढ़ चुके हो। टू फॉर्म प्रोटोनिमा बर्ड्स, प्रोटोनिमा बर्ड्स डेवलप करेंगे। और ये बर्ड्स कौन सी होंगी? ऑफ लीफी, जिसमें पत्ती निकलेंगी। लीफी गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट्स। देखिए यहां पर सबसे पहले क्या होगा, इसमें कह रहा है कि कुछ सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट्स, स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स अलग हो जाएंगी पेरेंट्स बॉडी से एंड फॉर्म द सॉइल। देखिए ये है, हमने बनाया ये स्पोरोफाइट्स, ये स्पोरोफाइट्स है। स्पोरोफाइट से ये कह रहा है Some cells separate. किसके कॉन्टेक्ट में आएंगी? That is soil. Soil के कॉन्टेक्ट में, ये है soil. Soil के कॉन्टेक्ट में आई, कॉन्टेक्ट में आते ही क्या डेवलप करेगी? ये करेगी प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा डेवलप करेगी। तो इस प्रोटोनिमा भी कौन सी स्टेज होगी? जहां पर लीफी डेवलप, जहां पर लीफी, या तो ये, या आप कह सकते हो कि इसके चारों ओर एक लीफी स्ट्रक्चर, ये क्या है? लीफी स्ट्रक्चर डेवलप होगा। और ये लीफी क्या है? गैमेटोफाइट। ये लीफ क्या है? गैमेटोफाइट्स हैं जो डेवलप होंगे, गैमेटोफाइट डेवलप होगा। अब ये गैमेटोफाइट्स क्या करेंगे, मैं इसको रन कर रहा हूं इस साइड को। ये जो गैमेटोफाइट्स हैं, ये गैमेटोफाइट्स, या हम इसे कह सकते हैं गैमेटोपोर्स, गैमेटोफाइट या गैमेटोपोर्स डेवलप होंगे। और ये आर प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे। गैमेटोफाइट्स या गैमेटोपोर्स आर प्रोड्यूस ऑन द प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा स्टेज डेवलप करेंगे एंड गिव राइज, और उत्पन्न करेंगे। किस चीज का उत्पन्न करेंगे? गिव राइज टू ए गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी, और ये एक गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी को डेवलप कर देंगे। इन दिस कंडीशन इस कंडीशन के अंदर, जो ये कंडीशन आपको दिख रही है, इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन के अंदर जो सेल है डिप्लोइड, इस कंडीशन के अंदर जो सेल है वो क्या होगी? डिप्लोइड सेल ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज द मीट पॉइंट। ये निक पॉइंट ड्यूरिंग द
क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पर, डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट द सेल आर शो डिप्लोइड और हैप्लोइड, तो वहां पर क्वेश्चन होगा द इन द टाइम ऑफ गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी द सेल आर डिप्लोइड और हैप्लोइड, तो वहां पर हमारा आंसर है डिप्लोइड, और वहां पर पॉइंट्स दे रखे होंगे हैप्लोइड डिप्लोइड, हैप्लो डिप्लोइड या डिप्लो हैप्लोइड, चार ऑप्शन होंगे, तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर क्या होगा डिप्लोइड, इस कंडीशन के अंदर डिप्लोइड्स। इन दिस वे इस रास्ते से गैमेटोफाइट इस रास्ते से जो गैमेटोफाइट लाइक प्लांट्स गैमेटोफाइट लाइक प्लांट बॉडी प्रोड्यूस होगी, प्लांट बॉडी प्रोड्यूस होगी इस तरीके से गैमेटोफाइट जैसी प्लांट बॉडी प्रोड्यूस होगी किससे फ्रॉम diploid sporophyte. Now the next point again, the gametophyte always develop the haploid cell. Gametophyte is haploid cell कहलाता है, लेकिन यहाँ पर gametophyte develop from diploid sporophyte. Now next point, in this way, इस तरीके से जहां पर प्रोटोनिमा बन रही है सेपरेट होकर सेल से, वहां पर डिप्लोइड स्पोरोफाइट्स डेवलप होता है किससे, गैमेटोफाइट लाइक प्लांट बॉडी से। नाउ न्यू क्वेश्चन अप्लाई, और यहां पर भी होगा ये होगा विदाउट रिडक्शनल डिवीजन, बिना रिडक्शनल डिवीजन के रिडक्शनल डिवीजन भी नहीं होगा और प्लांट बॉडी भी डेवलप हो जाएगी। तो यहां पर ये वेजिटेटिव खत्म होता है। नाउ वी आर स्टार्ट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नाउ वी आर स्टार्ट सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, इन माय YouTube वीडियो यू हैव एनी डाउट एनी वर्ड यू हैव डू नॉट अंडरस्टैंड, कोई भी वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मेरा नंबर हर वीडियो के अंदर होता है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ऑलवेज आर द नीड पॉइंट्स, नो एनी अदर क्वेश्चन कम फ्रॉम आउटसाइड, एक भी क्वेश्चन आउटसाइड नहीं आएगा अगर इस स्टडी को आप कंप्लीटली गेन करोगे तो, इट्स माय गारंटी, ये मेरी गारंटी है, नहीं आएगा। आगे हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि मैं इस वीडियो को बिल्कुल क्लियरली एंड फ्रेश मूड में बनाता हूं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, आपको हर वीडियो पहुंचेगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम मेल पार्ट्स का जिक्र करते हैं, और मेल पार्ट्स में आता है एंथ्रीडियम सबसे पहले यहां पर आता है। इच मेल गैमेट कहता है, इच मेल गैमेट्स, स्टूडेंट्स यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई डाउट है कि सर किसी एक पर्टिकुलर बुक से पढ़ा रहे हैं तो आप कोई भी बुक लेकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप यूनिवर्सल ले सकते हैं, एलिमेंट्री, प्रदीप, स्नेहा, स्नेल्स, जेडेवी, बहुत सी बुक आती, कोई भी बुक लेकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मैं मिक्स पढ़ा रहा हूँ, सभी बुक का यूनिक फीचर स्टडी करवा रहा हूँ ताकि कोई भी पॉइंट्स हमारे से रुक नहीं जाए, हमारे से छूट नहीं जाए। इच मेल गैमेट, सॉरी मेल सेक्स ऑर्गन, इच मेल सेक्स ऑर्गन,
प्रत्येक जो सेक्स ऑर्गन है इज रेडिस, रेडिस ब्राउन, रेडिस ब्राउन या ऑरेंज, रेडिस ब्राउन या ऑरेंज स्टार्क का होता है प्रत्येक मेल सेक्स ऑर्गन। रेडिस मतलब लाल कलर का, ब्राउन ब्राउन जैसा या ऑरेंज कलर की, स्टार्क्ड, स्टार्क्ड मतलब जहां पर वो लगा होता है, जहां पर वो, जहां से वो, देखिए ये यहां पर, ये यहां पर मेल ओरिजिनेट हो रहा है, तो स्टार्क क्या है, ये क्या है स्टार्क्ड, ये है स्टार्क, ये स्टार्क या तो ऑरेंज होगा या रेडिस ब्राउन होगा, ये स्टार्क या तो ऑरेंज होगा या रेडिस ब्राउन स्टार्क होगा, जो होगा वो क्या होगा मल्टी सेलुलर, उसमें एक सेल नहीं होगी, मल्टी सेलुलर होगा। सेप किस टाइप की सेप होगी, या मैं इसको रब कर रहा हूं, सेप किस टाइप होगी, क्लब सेप, क्लब्ड सेप का होगा, क्लब त्रिशंकु जैसा टाइप का जिसे हम कहते हैं क्लब से, ग्रैंड एंथ्रिडियम, एंथ्रिडियम से हमने क्या कहा, एंथ्रिडियम कहा गया कि एंथ्रिडियम इट इज अ मेन पार्ट है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया एंथ्रिडियम। मेन ब्रांचेस, अगर इफ द एंथ्रिडियम, इफ द एंथ्रिडियम आर ब्रांच, यदि एंथ्रिडियम ब्रांच्ड है, ब्रांच में डिवाइड है एंथ्रिडियम, यदि एंथ्रिडियम ब्रांच्ड है तो वो कहलाएगा कार्ड, वो कहलाएगा कार्ड एंथ्रिडियो, क्या कहलाया कार्ड एंथ्रिडियो कोर, एंथ्रिडियो कोर कहलाया, वो क्या कहलाया एंथ्रिडियो कोर कहलाएगा। अभी कह रहा है कि एंथ्रिडिया, अब भैया एंथ्रिडिया जो है, एंथ्रिडिया भाई एंथ्रिडिया ब्रांच में होता है, जिसे कहते हैं एंथ्रिडियो कोर, एंथ्रिडिया जो एंथ्रिडिया है, एंथ्रिडिया आर बोर्न, आर बोर्न एट द टिप ऑफ एंथ्रिडियो कोर, एंथ्रिडियो कोर की टिप पर ही एंथ्रिडिया डेवलप होता है। अब यहां पर एंथ्रिडियल, जो एंथ्रिडियल क्लस्टर है, एंथ्रिडियल जस्टर्स हैं या क्लस्टर्स हैं, एंथ्रिडियल क्लस्टर्स, क्लस्टर्स एंथ्रिडिया के गुच्छे जो है, रिमेन सराउंडेड, वो घिरे हुए होते हैं चारों ओर से बाय द रोस्टेड, बाय द रोस्टेड, रोस्टेड होता है आपने पढ़ा होगा छोटे छोटे लीफ के गुच्छों से, बाय द बाय रोस्टेड ऑफ लीव्स, भाई ये गुच्छे हैं, ये एंथ्रिडियल के गुच्छे हैं, ये इसके चारों बहुत सी छोटी छोटी पत्तियों से घिरा हुआ होता है, जिस जो कि कप शेप्ड होता है, जो कि कप शेप्ड होता है, जो उसके चारों ओर घिरा होता है, परंतु वो कप शेप्ड होता है, और जो कहलाता है यहां पर पेरिगोनियम, पेरिगोनियम कहलाएगा, दैट इज नोन एज पेरिगोनियम, पेरिगोनियम यहां पर ये कहलाता है। ये टू टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर
इसका जो स्ट्रक्चर है वो दो टाइप का होता है, अकर इन, जो कि अकर इन मेल रिसेप्टिकल्स, मेल रिसेप्टिकल्स, रिसेप्टिकल, मेल जो रिसेप्टिकल्स है उस पे दो टाइप का स्ट्रक्चर होता है। एक तो होता है क्लब से, एक तो हो गया हमारे पास क्लब शेप का हो गया, क्लब शेप का हो गया, क्लब शेप का हो गया, और दूसरा नोब्ड से। एंड सेकंड क्या है, नोब्ड से, से नोब से, दो टाइप का हमारे पास ये स्ट्रक्चर हो गया। और ये ग्रीन फिलामेंट, दो टाइप का स्ट्रक्चर हो गया जो मेल रिसेप्टिकल्स को करता है, क्लब शेप और नोड स्ट्रक्चर, नोड शेप। और ये दोनों कैसे हैं, ग्रीन, बोथ आर ग्रीन फिलामेंट्स, बोथ आर ग्रीन फिलामेंट्स, दोनों ग्रीन फिलामेंट्स होते हैं। कर्ल क्या कहलाएंगे ग्रीन फिलामेंट्स, प्यूरा पैराफाइस, क्या कहलाए, पैराफाइसिस, दोनों फिलामेंट्स क्या कहलाए, पैराफाइसिस। पैराफाइसिस जो टर्म्स हैं इसे एम्स ने काफी बार यूज किया है, तो ये कहलाया पैराफाइसिस। देखिए पैराफाइसिस अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इसका कोई खास फंक्शन नहीं है, तो इसमें खास फंक्शन नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे, पैराफाइसिस इज स्ट्राइल हेयर, ये स्ट्राइल हेयर है, परंतु कैसे हैं, मल्टी सेल स्ट्राइल है बट मल्टी सेल है, और इनकी जो फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल है वो थिक है, फर्स्ट सेल है वो मोटी है, जिसे आप उसे क्या कहते हो, जैकेट, जिसे आप पढ़ चुके हो, पहले आप इनको पढ़ चुके हो, जो जैकेट है इनके अंदर, जो जैकेट है वो कैसी है, जो जैकेट होती है वो जैकेट ग्रीन, जैकेट ग्रीन इन यंग एंथ्रेडिया, इन यंग एंथ्रेडिया। देखिए यहां पर क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है कि यंग के अंदर ये किस कलर की होती है, ग्रीन, यंग के अंदर ग्रीन कलर की होती है, बट चेंज कलर आफ्टर मैच्योरेशन, बट चेंज कलर आफ्टर मैच्योर के बाद कलर चेंज कर लेती है, वो जिसे हम कह सकते हैं मे बी डार्क ब्राउन, मे बी ब्राउन, मे बी ब्राउन या डार्क ब्राउन, अरे ब्राउन का एक वो बुरा कलर, मे बी डार्क ब्राउन या डार्क डार्क पिंकिस, पिंक कलर नहीं होता, डार्क ब्राउन या डार्क ब्राउनिस, ब्राउन या डार्क ब्राउनिस ये शो करता है। भाई आप इसके अंदर जो स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, ये कहता है अब एंथ्रेडिया क्या रिलीज करेगा, स्पर्म करेगा, तो ये कह रहा है कि ए नंबर्स ऑफ, इन नंबर्स ऑफ बाइफ्लेजिलेट्स, बाइफ्लेजिलेट्स, फ्लेजिलेट, जो बाइफ्लेजिलेट्स, यानी ये कहता है कि जो भी इन नंबर ऑफ बाइफ्लेजिलेट्स स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, अब ये जो है जैकेट इसके अंदर से लार्ज नंबर में बाइफ्लेजिलेट वाले स्पर्म रिलीज होंगे। ये स्पर्म आप पढ़ चुके हो किस टाइप के रिलीज होते, कहाँ से रिलीज होते हैं।
आप देखिए, आप फीमेल पार्ट आ गया है, आर्किगोनियम, आर्किगोनियम इज अ फीमेल पार्ट, मोस्टली आप इनकी स्टडी कर चुके हैं। ये है फीमेल रिसेप्टिकल, जो फीमेल रिसेप्टिकल है वो बर्ड लाइक एपियर, बर्ड लाइक एपियर, बर्ड लाइक, बर्ड जैसे दिखाई देगी। इट इज कवर्ड बाय, ये इट इज कवर्ड बाय, ये जो फीमेल रिसेप्टिकल्स हैं ये कवर्ड होगी बाय होल ऑफ कन्वर्जेंट, बाय होल ऑफ कन्वर्जेंट, बाय होल ऑफ कन्वर्जेंट पेरिकैसिया, पेरिकैसिया, पेरिकैसियल पॉइंटेड, पॉइंटेड 4 to 5। ये कहता है इट इज, ये होल है कवर, ये जो रिसेप्टिकल से ढकी हुई होगी कन्वर्जेंट। देखिए आपने 10th क्लास में कन्वर्जेंट के बारे में पढ़ा होगा, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट मींस डाइवर्जेंट तो वो हो गया कि जिसमें होमोलोगस सेम हो, स्ट्रक्चर जिसमें स्ट्रक्चर सेम हो, लेकिन कन्वर्जेंट जिसमें फंक्शन स्ट्रक्चर अलग हो। यहां पर सेपरेट पॉइंट, सेपरेट इसका मतलब है पेरिकास्टियल पॉइंट, पेरी मींस अल्टरनेट पॉइंट, अल्टरनेट, अल्टरनेट पॉइंट पर चार पांच जगह से, यानी अल्टरनेट पॉइंट है वहां पर 4 to 6, 4 to 5 जो प्लेस है वहां से ये कवर्ड होगी, जिसे कहते हैं कार्ड, जो कहलाएगा कार्ड ग्रीन, जो कहलाएगा ग्रीन पैराफाइसिस, जो कहलाएगा ग्रीन पैराफाइसिस, ग्रीन पैराफाइसिस ये कहलाता है, जो मोसिस की, मोसिस है, मोसिस के अंदर ये डिस्टिंग अलग अलग होती है, मोसिस के अंदर डिस्टिंग इनटू स्टार, इनटू ए स्टार, मोसिस के अंदर ये स्टार है वो अलग होता है, स्टार वेंट्र एंड नेक, स्टार वेंट्र एंड नेक, एंड इन नेक ये बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग होते हैं। यहां पर जो वेंटर है, वेंटर आपने पढ़ा होगा पीछे, वेंटर जो कैनाल होती है एग के चारों, वेंटर है, वेंटर इज डबल लेयर, वेंटर इज डबल लेयर, जो वेंटर है ये चार लेयर में, दो दो लेयर में होती है, जहां पर कंटेनिंग, कंटेन एग, जहां पर क्या होगा एग होगा। और जो नेक है, इसकी जो नेक है वो कवर्ड बाय, जो नेक है इसकी, जो नेक जहां से गैमेट बाहर निकलेंगे, कवर्ड बाय 6 वर्टिकल रो, रो सेल्स 6 वर्टिकल रो सेल्स से कवर होगी, जिसके अंदर 6 वर्टिकल रोस हैं ये कवर होंगी। जो 4 कवर सेल है इसके अंदर 4 जो कवर्ड सेल हैं वो कहलाएंगी कार्ड लिड सेल, कार्ड लिड सेल्स। मैं ये जो चीजें हैं मैं इसलिए डिटेल से नहीं बता रहा क्योंकि पिछले वीडियो में मैं इनको डिटेल से एक्सप्लेन करवा चुका हूं, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं। इट एब्जॉर्ब, अब देखिए क्या करेगी ये, इट एब्जॉर्ब वाटर, ये पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, एंड स्वेल, स्वेल अप, पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, ये पानी को एब्जॉर्ब करेंगे,
और फूल जाएंगे, पानी को एब्जॉर्ब किया और ये क्या हो गए, स्वेल अप, फूल गए। आपने पीछे भी पढ़ा होगा फूल गए, फूलने के बाद एंड ओपन क्या ओपन होगा, ओपन लिड। अब वो ढक्कन है नीचे का वो खुल जाएगा। देखिए इस टाइप का डायग्राम था मैंने बनाया था, ये था लिड, ये लिड था, जैसे यहाँ पर पानी एब्जॉर्ब किया ये स्वेल, यहाँ से फूल गई, फूलते ही ढक्कन खुल गया। तो इस टाइप का डायग्राम हमारे पास ब्रायोफाइट्स के अंदर पड़े हैं, स्वेल एंड ओपन द लिड, लिड खुल गया, लिड खुल गया टू क्रिएट द प्रोसेस, लिड ओपन द लिड, ओपन द लिड एंड क्रिएट पासेस, और एक रास्ता बन गया इसका अप टू उस पियर तक एक रास्ता बन गया। अब क्या करेगा यहां पर उस पियर था वो सीक्रेट, अब कुछ सीक्रेट तो करेगा भाई, अपनी ओर किसी चीज को खींचना तो है, सीक्रेट्स द सुक्रोज, सीक्रेट द सुक्रोज, किस लिए करेगा सुक्रोज सीक्रेट, फॉर अट्रैक्टिंग, किसको अट्रैक्टिंग करेगा, अट्रैक्टिंग द स्पर्म्स को अट्रैक्ट करने के लिए सुक्रोज रिलीज करेगा जो कि स्पर्म को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा।